no! करना ही पड़ेगा, मुझे फुचका घर पे ही बनाना पड़ेगा। एंड मुझे तो पता है कैसे बनता है फुचका, एंड बहुत जल्दी भी बन जाता है, बहुत आसानी भी है। और अभी के सीजन में बाहर जाके फुचका खाना तो कितना ज्यादा रिस्की हो गया है, अभी तो मुझे घर पे ही बनाना पड़ेगा एंड अच्छे से खाना होगा। तो चलो बनाते हैं फुचका। फुचका और गोलगप्पा बनाने के लिए चाहिए हमें सेमोलिना, ये रहा बेकिंग पाउडर। सेमोलिना और सूजी मैंने थोड़ा ज्यादा करके लूंगी इसके लिए, एंड मैं लूंगी एक बड़ा चम्मच करके मैदा। आप चाहो तो थोड़ा ज्यादा मैदा भी यूज कर सकते हो, एंड इन सब को अच्छे से मिला लेना होगा। मैं थोड़ा ना ज्यादा सूजी ही यूज करती हूँ, तब क्या होता है फुचका जो है बहुत दिन तक अच्छा रहता है। मैं ऐसे करके फुचका 5-6 दिन रख देती हूँ। अभी थोड़ा थोड़ा करके हमें पानी ऐड करना होगा एंड हमें एक अच्छा सा स्मूथ सा डो बना लेना होगा। ये जो डो है ना वो हमें बहुत ज्यादा हार्ड नहीं बनाना होगा, क्योंकि तब क्या होता है तब हमारा फुचका बेलने में बहुत मुश्किल होता है। अभी मैं अच्छे से पतला करके बेल लूंगी फुचका को। यही पार्ट बहुत जरूरी है फुचका बनाने का, बहुत ज्यादा पतला करके आपको बेल लेना होगा, नहीं तो दोनों साइड का फुचका का जो थिकनेस है वो एक नहीं रहेगा एंड एक साइड मोटा रहेगा तो फुचका अच्छा नहीं बनेगा। कभी कभी तो ऐसा भी होता है फूलता भी नहीं है, अगर थोड़ा मोटा ज्यादा हो जाता है तो। एकदम ही पतला करके हमें फुचका का डो को बेल लेना होगा। अभी मैं छोटा साइज का एक बाटी ले रही हूँ। ये बाटी से ना हम सारे फुचका को बना लेंगे। देखो ऐसे कट करके बनाना पड़ता है, बहुत ही इजी है। अगर आपको लगे ना कि आपका डो थोड़ा सा ज्यादा मोटा हो गया इस स्टेज पे, तो आप एक बार इस फुचका को बेल सकते हो थोड़ा सा पतला करने के लिए। तो ऐसे करके मैंने सारे फुचका को बना लिया है, देखो पतला करके। अभी मैं फुचका को फ्राई कर लूंगी एंड फुचका को फ्राई करने के लिए ना आपको तेल को थोड़ा ज्यादा ही लेना होगा, नहीं तो फुचका अच्छा नहीं बनेगा। तो इसलिए मैं एकदम छोटा सा एक पैन यूज की हूँ। देखो मेरा फुचका कितना अच्छे से फूल गया है। अभी इसको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना होगा, धीरे धीरे करके 2-3 करके ही आप फुचका डाल सकते हो, बहुत ज्यादा एक साथ में मत डाल दो तब फुचका अच्छा नहीं बनेगा। हमारा फुचका का जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है एंड ये कितना ज्यादा फूल गया है, बहुत ही ज्यादा अच्छा बनता है। मैं अभी सारे फुचका को ऐसे कर लूंगी। अभी हमें करना होगा आलू का स्टफिंग, इसके लिए हमें मसाला चाहिए। ये मसाला मैंने घर पे बनाई है, जीरा पाउडर, आमचूर पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, धनिया पाउडर एंड लाल मिर्च पाउडर। अभी मैंने प्याज को काट लिया है एंड थोड़ा सा धनिया पत्ता भी ले लिया। आलू को भी मैंने पहले से बॉईल करके रख दिया है एंड हमें चाहिए थोड़ा सा नमक। अभी इन सब को अच्छे से मिला देना होगा। पहले हम ले रहे हैं ये नमक, फिर हम जो मसाला रेडी करके रख दिया है उसको, आपको कितना चाहिए उसके क्वांटिटी का हिसाब से आप ले सकते हो। फिर हम डाल देंगे अनियन, आपको अगर अनियन पसंद नहीं है तो आप अनियन को स्किप कर सकते हो। फिर ये धनिया पत्ता,
इन सबको हमें मिला देना होगा। और हम ना आलू को ज्यादा नहीं तोड़ेंगे, थोड़ा बड़ा बड़ा पीसेस में ही रहने देंगे। तब अगर आलू मुंह में आएगा ना तो बहुत ही ज्यादा यम्मी एंड टेस्टी लगता है। ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके क्रश करेंगे। देखो आलू का मसाला कितना अच्छे से बन गया है। अभी मैं फुचका का पानी जो है उसको बना लिया है। इसके लिए मैंने इमली का रस भिगा के रख दिया था एंड फिर मैं इसमें जो मसाला हमने फुचका का स्टफिंग में यूज किया है वो मसाला ही मैं इसमें भी यूज की हूँ एंड थोड़ा नींबू का रस, बस और कुछ नहीं चाहिए। एंड हमारा डिलीशियस फुचका जो है वो रेडी हो चुका है एंड इसका स्टफिंग वाओ। एंड ये फुचका ना बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी होता है। अब जरूर घर पे ट्राई करो, ये फुचका बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को। फाइनली मुझे मिल गया, नहीं तो सपने में क्या हो रहा था, कौन मेरा फुचका ले रहा था। बहुत ही ज्यादा यम्मी बना है। आप लोग घर पे जरूर ट्राई करो एंड खाओ ये मजेदार रेसिपी। ओ एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक करना, शेयर करना। चलो टाटा।